बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं सना और आप देख रहे हैं लेट्स कुक विद सना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल इजी है बनाना और इतना डिलीशियस बनेगा और इतना मज़े का बनेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें सारे फ्रूट्स हैं और इतने मज़े के फ्लेवर इसमें डाले हैं हमने, इतना डिलीशियस बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने रेड वाले बड़े अंगूर लिए हैं, इसको हम अलहदा कर लेंगे। ठीक है, और जब हम इसको सारे ये फ्रूट डालेंगे और इतना फ्लेवर इसमें आएगा, अच्छा मुख्तलिफ फ्लेवर आएंगे इसमें और बहुत ही मज़े का लगेगा। इसके दो पीसेस तीन पीसेस अपने कर लेने हैं, बड़े अंगूर जो हैं ऐसे बारीक बारीक आपने कर लेने हैं। और इसके बाद देखें, इसके बाद एप्पल काटेंगे, इसको अंदर से और ऊपर से साफ़ कर लेंगे, दो पीसेस कर लेंगे इसके एप्पल के। एक खूबसूरत सा आपने एप्पल लेना है और इसको अब करेंगे हम अंदर से भी साफ़ कर लेंगे, साइड पे रखते जाएंगे। ठीक है, ग्रेप्स हमने कर लिए थे, इसको अलहदा कर लेंगे। अब इसको ऐसे पीसेस में काट लेना है हमने। छिलके हमने नहीं उतारे, छिलके समेत ही हमने काटना है और कलरफुल भी लगेंगे और हमारे लिए छिलके अच्छे भी हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उतारें इसको। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी अलहदा कर लेंगे। ग्रेप्स को भी हमने पीसेस में काट के अलहदा कर लिया है और एप्पल को भी। और इसके बाद स्ट्रॉबेरी कभी ग्रीन पार्ट्स अलहदा कर लेंगे, अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, धो के हमने सब कुछ फ्रूट रखा हुआ था। और ऐसे इसको गोल गोल कटिंग कर लेना हमने स्ट्रॉबेरी को भी। इसको भी ट्रे में डाल देंगे साथ ही कटिंग करके। इसके बाद हमने लेनी है कीवी, कलरफुल भी लगेगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा इसका। को ऊपर से छील लेंगे, ऐसे इसके पीसेस कर लेने हैं। इसके बाद हमने खजूरे लिए हैं, छिलका उतार लेना ऊपर से और इसके अंदर से गुठलियाँ निकाल के तो फिर इसको कटिंग कर लेना अच्छे तरीके से। चाहे तो आप ब्लैक किशमिश भी डाल सकते हैं, दूसरी सादा किशमिश भी डाल सकते हैं। और बनाना को भी कटिंग कर लेंगे छिलका उतार के, ऐसे हमने गोल करना है। किसी भी तरीके से आप खूबसूरती से काट लें फ्रूट को। देखिए, सब हमारे फ्रूट कटिंग हो चुके हैं, देखें कितनी खूबसूरती से। ऐसे आपने अच्छे तरीके से धो के कटिंग कर लेना सब फ्रूट को। और कीवी डाली है हमने और खजूर डाली है, चाहे तो आप बादाम भी डाल सकते हैं और ब्लैक किशमिश भी डाल सकते हैं, जो फ्रूट अपनी पसंद का आप डालना चाहे डाल सकते हैं। और दूध डालना है हमने, तीन पाव हम दूध डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने बॉईल करना है। तीन पाव दूध में से ही आप हाफ कप ले लीजिएगा अलहदा दूध कस्टर्ड मिक्स करने के लिए। ठंडा दूध आपने लेना, गर्म नहीं लेना कस्टर्ड मिक्स करने के लिए। ठीक है, अच्छे तरीके से हम पाँच चम्मच इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड को, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ठंडे दूध में डालना है आपने और जो हमने दूध डाला है बर्तन में अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। ठंडे दूध में जो हमने कस्टर्ड मिक्स किया था वो अच्छे तरीके से हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। बॉईल होने के बाद दूध हमने डालना है कस्टर्ड, और चीनी डालनी है, दो प्याली मैंने चीनी डाली है।
मैंने तो कम मीठा डाला, आप जितना चाहे डाल सकते हैं। इसको हिलाते रहना आपने। मीडियम पे चूल्हा आपने रखना है और हिलाते रहना है साथ में। और वहाँ पे हमारा डन हो चुका है कस्टर्ड, और इसको ठंडा करने के लिए हमने बर्तन में रख दिया है। और साथ में हम हाफ हाफ हमने नीचे डाले हैं फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, केला हमने हाफ हाफ नीचे डाला है। और कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, इसके बाद डालेंगे ऊपर कस्टर्ड। देखिएगा हमारे फ्रूट्स हाफ नीचे हैं और ऊपर हम कस्टर्ड डाल रहे हैं। अभी से ही मिक्स फ्रूट्स की इतनी खुशबू आ रही है अच्छी और ठंडी, रिफ्रेश सा हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। देखिएगा हाफ हमने ऊपर डालने हैं फ्रूट्स, ठीक है। इसके बाद डालेंगे हम कीवी। एक तो कलरफुल भी लगती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और इसका फ्लेवर भी अच्छा होगा। सारे फ्रूट्स डालेंगे तो जब खाएंगे तो माइंड भी हमारा फ्रेश हो जाएगा, एक ठंडा सा ट्रैफल सा बनेगा हमारा कस्टर्ड, और बच्चे भी शौक से खा लेंगे। जब हमारा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको खाएंगे। अच्छे तरीके से आपने ठंडा करना है। कीवी डालने के बाद हम डालेंगे खजूर, जो कटिंग की थी। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, खजूर भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, जो डालना चाहे आप डाल सकते हैं। बिल्कुल ईजी रेसिपी है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, इतना मज़े का बनेगा। ठंडा होने के बाद इसको हमने खाना है, मेहमान वगैरह है तो तब आपने डिश आउट करना है जब अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा फ्रूट कस्टर्ड कैसा लगा है आपको। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि कैसा लगा है। देखिए ठंडा हो चुका है हमारा, आपने अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना ताकि इसमें से जब ठंडा ठंडा धुआं निकलेगा तो वो अच्छा लगेगा और मज़े का भी लगेगा। इतना मीठा नहीं मैंने डाला, नॉर्मल मीठा है, वही अच्छा लगता है। और आप भी बनाएंगे, आपका भी अच्छा बनेगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। एक डिसेंट सी डिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।